हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स का मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यह आपका दोस्तों हाल ही में क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे कि 2019 में 2020 में हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके दो गुण को लेके। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में फिजिक्स में इंटर में, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे और कोई अगर अदर बोर्ड के बच्चे जुड़े हुए वो भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे लगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब तक आप वीडियो को यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, अन्यथा ये वीडियो आप देखना छोड़ दें अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, बिना मतलब का आप अभी देखेंगे फिर 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे। तो प्लीज अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके दो गुणों को लेके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले समझते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावकीर्य दोलनों से बनी होती है, तथा यह दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जिसमें एक दूसरे के लंबवत तलों के विद्युत क्षेत्र हो गया और एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। यानी अगर विद्युत क्षेत्र आपका ऊपर है तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र वो इस साइड होगा और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यही चीज कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जिसमें जो आपका एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोलनों से बनी होती है, ज्यावकीर्य दोलनों से बनी होती है और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। अब इन दोनों के दो गुणों को लिखे, दो गुण पूछ रहा है तो आपको दो गुण ही लिखना है, यानी कि 5 गुण। क्योंकि जितना देखिए टेस्ट जो आपको लिया जाता है यानी कि एग्जाम जो लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपके अंदर देखा जाता है कि आपने क्या है। अब आपको पूछ दिया कि 2 सामान लाओ, आप जबरदस्ती का 3 लेके आएंगे तो उसको गुस्सा ही उठेगा, 100% है वो खुश नहीं होएगा, ठीक है। तो जितना पॉइंट बोला है उतना ही लिखना है। हाँ, कोशिश करें कि एक पॉइंट में आप 3-4 बात को लिख दे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है दो गुण पूछा तो आपको 2 गुण ही लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2-3 गुण 4 गुण बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंग गति है जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। आपको फिर से बता रहे हैं, आपको ये चारों पॉइंट में से 2 ही पॉइंट को लिखना है, इसलिए मैंने ये बात बोली आपको। विद्युत चुंबकीय तरंग गति है जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो हो परस्पर लंबवत होते हैं। चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग वह गति है जिसके जो विद्युत क्षेत्र है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग में ई और बी का अनुपात जो है एक निश्चित मान होता है, यह अनुपात प्रकाश के चाल के बराबर होता है। यानी कि अगर आप यहां पर निकालेंगे सी बराबर, तो सी बराबर निकलेगा ई बाई बी, क्या निकलेगा ई बाई बी। तो प्रकाश का जो विद्युत चाल है इसके बराबर होता है इसका अनुपात, किसका किसका अनुपात, यानी कि विद्युत क्षेत्र का अनुपात और एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, इन दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी कि सी के बराबर होता है। प्रकाश के चाल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं प्रकाश के चाल को, वहीं पे हम लोग ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को, और बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ई और बी है इन दोनों का जो अनुपात है वो एक निश्चित मान होता है, एक फिक्स मान होता है, और ये अनुपात जो है प्रकाश के चाल, प्रकाश का जो चाल होता है उसके बराबर होता है, किसका अनुपात, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरा पॉइंट है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है। निर्वात यानी कि वैक्यूम में, निर्वात में जो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है वो निम्नलिखित फॉर्मूला से दी जाती है। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है। समझिए, सी बराबर होता है 1/√μ0εr0, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, सी जो है वो प्रकाश की चाल है, 1 जो यहाँ पर 1 है, म्यू नोट आपका म्यू नोट और एक है ई यानी कि एप्सिलॉन नोट। तो क्या होता है फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू 1/√ यानी कि 1/√ अंडर रूट या फिर रूट अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो राइट आंसर यानी कि यहाँ पर आपका जो है ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। चौथा पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है, एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी और एक संवेग, इन दोनों का वहन करती है। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके दो गुण को लेके ये आपको पॉइंट लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा गया 2020 में एनुअल एग्जाम में, इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखे। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर
क्रियाशील बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात की जा सकती है, जो कि इस प्रकार है। अब इस प्रकार है, आपको ये जिंदगी भर याद रखना है, आप कभी नहीं बोलना है। क्या बोला है? सबसे पहले फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का काम क्या है? वो जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो स्थित धारावाही चालक होता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पे जो स्थिर धारावाही चालक होता है यानी कि जो रुकी हुई धारावाही चालक होती है, उसी पर जो क्रियाशील बल होता है, क्रियाशील बल यानी कि जो फोर्स होता है, उसी की डायरेक्शन को, उसी की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए, यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा, एक आपका अंगूठा, एक आपका तर्जनी और एक आपका मध्यमा, मध्यमा मतलब मिडिल वाला, तर्जनी मतलब अंगूठा के जस्ट बाद वाला, यानी कि एक आपका मिडिल अंगुल हो गया, यानी कि मिडिल जो हो गया, एक मिडिल हो गया, एक अंगूठा हो गया, इन दोनों के बीच का जो उंगली होता है उसको बोलते हैं तर्जनी। अंगूठा तो आपको समझ में आ गया, एक मध्यमा समझ में आ गया, जो बीच वाला होता है पांचवा में जो तीसरा उंगली होता है, ठीक है, और एक तीसरा और एक पहला, इन दोनों के बीच का जो उंगली होता है यानी कि फिंगर होता है उसको बोलते हैं तर्जनी। तो यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी, बाएं हाथ ध्यान दीजिएगा, बाएं हाथ, दाएं हाथ नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पूछा है तो बाएं हाथ, तो यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा, ये इसको अगर अंगुली को परस्पर लंबवत फैलाई जाए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो वो जो अंगूठा है वो तर्जनी से 90 डिग्री कोण और तर्जनी जो है वो मध्यमा से 90 डिग्री कोण यानी कि एंगल बनाएगा, ठीक है, और ये अंगूठा और मध्यमा जो है ये भी आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ये तीनों जो है आपस में 90 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री के कोण पर परस्पर लंबवत फैलाई जाए, और यदि मध्य की अंगुली से धारा आई की दिशा एवं तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और अंगूठे के चालक पर लगने वाला एफ की दिशा निरूपित करती है। तो सिंपली यहाँ पर क्या बोला कि आपको सबसे पहले बाएं हाथ उठाना है, एक आपको अंगूठा उठाना है, एक तर्जनी उठाना है, एक मध्यमा उठाना है, और तीनों को 90 डिग्री एंगल पर रख देना है, तीनों को 90 डिग्री एंगल पर रख देना है। उसको रखने के बाद जब उसको 90 डिग्री पर आप रख देंगे तो उसमें जो आपका उंगली होगी, मध्य उंगली, मध्य यानी कि मध्यमा जो होगी वो बताएगी आपकी धारा की दिशा, आई यानी कि करंट की दिशा, वहीं पे जो तर्जनी होगी, तर्जनी जो बीच वाला होता है यानी कि इन दोनों के बीच तीसरा और पहला के बीच में जो तर्जनी उंगली होता है वो आपका बताएगा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी की दिशा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, डायरेक्शन निरूपित करेगा। वहीं पे जो अंगूठा होगा वो क्या करेगा, जो चालक पर लगने वाला बल है यानी कि फोर्स है उस चीज को बताएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको समझिए और 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिए, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन पर गलती करते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वांटी ग्राफ जनित्र में बेल्ट यानी कि फीता विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बना होता है, यानी कि वांटी ग्राफ जनित्र में जो बेल्ट होता है यानी कि जो फीता होता है वो विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बना होता है। अगर आप सिंपली में समझेंगे तो वो विद्युत रोधी इसलिए होता है ताकि किसी को अट्रैक्ट ना करे और किसी को रिपेल ना करे, यानी कि किसी को आकर्षित ना करे, किसी को विकर्षण ना करे, क्योंकि अगर बेल्ट अगर लोहा का बना होता, विद्युत रोधी नहीं बना होता, वो लोहा का बना होता तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता तो काम नहीं होता। लेकिन आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है, आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर कोई नहीं करवाएगा और ये सभी क्वेश्चन जो आपके चुना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है यहाँ पर इस चैनल पे, बिल्कुल वैलिड कंटेंट के साथ, ठीक है। और शेयर करेंगे दोस्तों अपने दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त आपके प्लीज शेयर करेंगे। चलिए, वांटी ग्राफ जनित्र में बेल्ट फीता विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बना होता है। वांटी ग्राफ जनित्र में चालक के नुकीले भाग से वायुकण अथवा धूलकण आवेश प्राप्त करके उनके द्वारा प्रतिकर्षित होकर एक बेल्ट से टकराते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है, यानी कि जो वांटी ग्राफ जनित्र है उसमें जो चालक का नुकीला होता है, चालक का नुकीला, वहीं से जो है वायुकण अथवा धूलकण आवेश यानी कि एक प्रकार का चार्ज प्राप्त होता है, किससे, एक नुकीले भाग से वायुकण अथवा धूलकण जो है आवेश से आवेश प्राप्त होता है और उनके द्वारा प्रतिकर्षित होकर एक बेल्ट से टकराते हैं, उनके द्वारा प्रतिकर्षित होकर रिपेल होकर एक बेल्ट से टकराता है। यह बेल्ट जो है वो विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, ये बेल्ट जो है वो विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। अब विद्युत रोधी का क्या होता है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका काम है कि एक चालक से दूसरे चालक तक आवेश पहुंचाना, किसका काम, ये विद्युत रोधी बेल्ट का काम क्या है, जैसे कि यहाँ पर दो गोला ले लेंगे, इसके ऊपर अगर एक बेल्ट लगा देंगे तो इसका काम क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई चीज को रखेंगे तो ये इसके यहाँ पर पहुंचाएगा, इधर से फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर रखेंगे कुछ, फिर यहाँ पहुंचाएगा, समझ गए। तो एक विद्युत रोधी बेल्ट का काम क्या होता है, यानी कि जो विद्युत रोधी बेल्ट है इसका काम यह होता है कि एक चालक से दूसरे चालक तक आवेश को पहुंचाना, यानी कि चार्ज को पहुंचाना, इसका काम होता है, किसका काम होता है, विद्युत रोधी बेल्ट का काम होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बेल्ट द्वारा लिया गया आवेश, यानी कि जो बेल्ट द्वारा जो चार्ज को लिया जाता है, लेके एक जगह से दूसरे जगह ढोया जाता है, उस पर फैले नहीं बल्कि स्थानांतरित रहे, यानी कि एक जगह रुकी हुई रहे, वो फैले नहीं। बेल्ट के साथ ये आवेश जब तक ग्राहक के नुकीले चालक से
सिरों के निकट पहुंचते हैं तो नुकीले सिरों से होकर विपरीत प्रकार के आवेश चालक से बाहर निकलकर बेल्ट पर के आवेश को उदासीन बना देते हैं। इसके लिए बेल्ट को विद्युत रोधी पदार्थ का बना होना आवश्यक है, नहीं तो यह क्रिया संभव नहीं है। चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि जब एक दूसरे से एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे में लेके जाएंगे तो जो चार्ज है उसको एक जगह स्थित रहना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। बेल्ट के साथ ये आवेश जब तक ग्राहक के नुकीले चालक के सिरों के निकट नहीं पहुंचता है तब तक नुकीलों को सिरे से होकर विपरीत प्रकार के आवेश चालक से बाहर निकलकर बेल्ट पर के आवेश को उदासीन बना देता है। इसके लिए बेल्ट को विद्युत रोधी पदार्थ का बना होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो यह क्रिया संभव नहीं होगा। ठीक है, वांडी ग्राफ जनित्र में इसीलिए बेल्ट यानी कि जो फीता होता है वो विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, पैरावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक पैरावैद्युतांक को परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पैरावैद्युत शक्ति होता क्या। देखिए पैरावैद्युत शक्ति, किसी पैरावैद्युत की शक्ति वह महत्तम क्षेत्र यानी कि डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर विभव प्रवणता है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युतीय विघटन नहीं होता है। और हवा की पैरावैद्युत शक्ति लगभग कितना होती है, 3×10⁶ यानी कि 3×10⁶ वोल्ट मीटर होती है, वोल्ट पर मीटर होती है। ठीक है, तो पैरावैद्युत शक्ति जो है उसको हम लोग V/M से डिनोट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट बनता है। और पैरावैद्युत शक्ति जो है लगभग हवा में कितना होती है, वो होती है 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और किसी पैरावैद्युत की शक्ति वो महत्तम क्षेत्र होती है यानी कि डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है या फिर विद्युत प्रवणता होती है जिस पर आरोपित करने पर इसका विद्युतीय विघटन जो है वो नहीं हो, उसी को बोलते हैं पैरावैद्युत शक्ति। अब है अपेक्षित पैरावैद्युतांक, ये क्या है इसको समझिए। देखिए अपेक्षित पैरावैद्युतांक वैद्युता, ठीक है, यह यदि किसी संधारित्र की प्लेट के बीच का माध्यम एप्सिलॉन हो तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होगी, C0 = εoA/D। यदि उस चित्र संधारित्र यदि उस संधारित्र की प्लेट के बीच के पैरावैद्युत माध्यम की पैरावैद्युतता εr हो तो संधारित्र की जो धारिता है वो आपकी हो जाएगी C = εoA/D। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, सबसे पहले C/C0 बराबर होता है ER। तो अगर आपको कभी ER पूछ दिया जाए ER बराबर, तो वो क्या होता है C/ε0 जो है वो होता है ER। और ER क्या है, ER जो है वो माध्यम की अपेक्षित पैरावैद्युतता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या पूछ रहा था कि अपेक्षित पैरावैद्युतता क्या है, तो यदि किसी संधारित्र की प्लेट के बीच का जो माध्यम है वो अगर εoA हो तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो ये होगी, इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। और वहीं पे अगर संधारित्र की प्लेट के बीच पैरावैद्युत माध्यम की पैरावैद्युतता अगर ER हो तो उसकी जो फॉर्मूला होगी ये होगी। ठीक है, तो εoA अगर हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, वहीं पे अगर εoR हो तो उसका माध्यम जो है ये हो जाएगा। और C/C0 बराबर होता है ER जो है वो क्या है, माध्यम की अपेक्षित पैरावैद्युतता है। तो आपको समझ में आ गई पैरावैद्युत शक्ति क्या होता है और एक अपेक्षित पैरावैद्युतता क्या है होता है। ये दोनों को आपको सिंपली खाली ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये याद रखेंगे तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, चूंकि आवेशित खोखले गोले के भीतर आवेश का जो परिणाम है वो शून्य है, इसलिए जो फलस का भी मान है वो शून्य होता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेशित गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर शून्य होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को समझना चाहिए। 1 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जितना भी है यहाँ पर देखिए, किसी चालक का तल समविभवी होता है क्यों, किसी चालक का तल जो है वो समविभवी होता है क्यों, इसको समझिए। किसी चालक का तल समविभवी होता है क्योंकि उसके किसी बिंदु पर यदि विभव अधिक होता है तो आवेश कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होकर विभव को बराबर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, किसी चालक का तल जो है वो समविभवी होता है क्यों, तो क्योंकि किसी चालक का जो तल है वो समविभवी होता है क्योंकि उसके किसी बिंदु पर यदि विभव अधिक हो, किसी भी बिंदु पर अगर विभव अधिक होता है तो आवेश पर जो कम विभव वाले बिंदु होते हैं उधर प्रभावित हो जाता है, उधर चला जाता है और ये विभव जो है बराबर हो जाती है, इसको बराबर कर देता है। किसी बंद खोखले आवेशित चालक के भीतर ये सभी स्थान पर विभव बराबर होता है और चालक के तल के विभव के बराबर होता है क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चीज आपको समझ में आ गई, इसलिए किसी चालक का तल समविभवी होता है इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कि किसी संधारित्र में दूसरे चालक प्लेट की क्या भूमिका होती है, किसी संधारित्र में कैपेसिटेंस में दूसरे चालक प्लेट की जो भूमिका है, रोल है, वो क्या होती है, समझिए। जब दो आवेशित चालक प्लेटों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, जब दो आवेशित चालक मतलब यानी कि चार्ज किया हुआ चालक है, उन दोनों को अगर एक दूसरे के नजदीक एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इनकी जो विभव है उसमें कमी आ जाती है जिसके कारण इनकी जो धारिता है वो बढ़ जाती है। विभव कमी आ जाएगी तो धारिता जो है वो बढ़ जाएगी,
यही कारण है कि दूसरे प्लेट को पहले प्लेट के निकट लाने से धारिता बढ़ जाती है। चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि किसी संधारित्र में दूसरे चालक के प्लेट की क्या भूमिका है, तो यही है कि जिसकी धारिता है वो बढ़ जाती है। अगर एक दूसरे के समीप लेके आएंगे तो विभव जो है वो कमी हो जाएगी और धारिता जो है वो बढ़ जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थिर वैद्युत परिभाषा, एक क्वेश्चन देखिए 2014 में आपका पूछा हुआ है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, इसके जीवन जीवनोपयोगी उपयोग को लिखें, यानी कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है और इसका उपयोग क्या है जीवन में हम लोगों का, उस चीज को लिखिए। देखिए, स्थिर वैद्युत परिरक्षण आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहा जाता है। आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहा जाता है। अब इसका निजी उपयोग क्या है समझते हैं। बरसात में तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा कार या बस के अंदर रहना अधिक सुरक्षित रहता है। कार या बस का आवरण वैद्युत परिरक्षण प्रदान करता है। तो बरसात में तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप वगैरह होता है, बिजली वगैरह चमकती है, तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा कहां पर, कार में या फिर बस के अंदर रहना अधिक सुरक्षित रहता है और कार या बस का आवरण जो है वो वैद्युत परिरक्षण प्रदान करता है। चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि बरसात वगैरह बिजली वगैरह चमकती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो कार या बस में अगर रास्ते में है तो फील्ड वगैरह में है तो किसी घर के नीचे, तो जो कार और बस है ये क्या है, वैद्युत परिरक्षण प्रदान करता है। समझ गए इसका उपयोग, यानी कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण का उपयोग और उसका इसके डेफिनेशन समझ गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो संधारित्रों की धारिताएं, एक आपका C1 और एक C2, ये दो धारिता दिया हुआ है, दो कैपेसिटेंस का आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एक C1 है एक C2 है। इसके एक पार्श्वबद्ध और एक श्रेणीक्रम, पार्श्वबद्ध एक श्रेणीक्रम यानी कि श्रेणीक्रम मतलब सीरीज और पार्श्वबद्ध मतलब समांतर यानी कि पैरेलल, इन दोनों को चित्र के द्वारा निरूपित करने के लिए बोल रहा है और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा पार्श्वबद्ध फिर श्रेणीक्रम, तो आप कैसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं, नीचे में आपको श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम यानी कि समांतर दोनों चीज लिख देना, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बैटरी लेना है, बैटरी लेने के बाद आपको किस इस प्रकार जो है आकार बना देना है, ये भी बैटरी लेना है। इस बैटरी में क्या करना है, एक आपको समांतर क्रम में बना देना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सीरीज क्रम और सीरीज क्रम का फॉर्मूला अगर हो सके तो आप लिख देंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। तो सीरीज का जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है 1/C1+C2, ठीक है, 1/C1+1/C2। वहीं पे अगर समांतर क्रम का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस में यानी कि संधारित्र में समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है सिंपल C1+C2। ये किसका फॉर्मूला होता है, सी इक्विवेलेंट का, CEQ बराबर होता है C1+C2 और यहाँ पर जो है फॉर्मूला निकलेगा 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट जो कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है वो है 1/C1+1/C2, वहीं पे समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट बराबर C1+C2। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला जो है इस चित्र के नीचे लिख देना है कई साइड में ताकि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिले। और एक आपको बैटरी बना देना, बैटरी जो है किसी प्रकार का चित्र जिसमें आपको एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये ध्यान रखिएगा जिधर आप प्लस इधर ये बैटरी में ये यानी कि संधारित्र में अगर इधर प्लस बनाइएगा तो यहाँ भी इधर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर भी इधर प्लस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया समांतर क्रम, ये हो गया आपका श्रेणीक्रम और ये प्लस और माइनस बैटरी का निशान दे दीजिएगा जहां पर प्लस से जो है आपका विभव निकलता है और यहां पर भी ध्यान से दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज को जो आपको चित्र में बना देना है, ये आपका संधारित्र की धाराएं हो गया, धारिताएं हो गया C1 C2 और पार्श्वबद्ध और एक श्रेणीक्रम, ये आपका परिपथ बन गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई, चित्र में आपको पूछा जाता है खास करके फिजिक्स में, तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइम बहुत कम है, जय हिंद।